राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद से राजपूत सागर जिले के राहतगढ़ के कृषि उपज मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 169 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। मंत्री गोविंद से राजपूत ने कहा कि शादी उमंग और आनंद का दिन होता है। इस सम्मेलन में शामिल सभी लोग दो परिवारों को एक करने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज का दिन खुशी मनाने का दिन है। सभी नवविवाहित शादी की शुरुआत उमंग एवं आनंद के साथ करते हुए जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि पहले शादी विवाह संपन्न कराने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब हमारी बेटियों की शादी आसानी से हो रही है। उनकी शादी के साथ 55,000 रुपए की राशि से उनकी गृहस्थी का सामान और चेक भी प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेली में बोलते हुए कहा कि दूधो नहाओ पूतो फलो। बुंदेली में ही उन्होंने मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर गाए जाने वाले बन्ना बन्नी गीत भी गुनगुनाए। मंत्री गोविंद से राजपूत ने पत्नी सविता से राजपूत के साथ सभी 169 बेटियों को अपनी ओर से साड़ियां भी भेंट की। आज बड़े खुशी और हर्ष का दिन है। हमारे करीब 180 जोड़े आज शादी के विवाह के बंधन में बंधे और इसमें एक जोड़ा ऐसा भी था जो पति पत्नी दोनों ही ब्लाइंड हैं, लेकिन उनके भी खुशी में हम सब ने खुशियां बांटी। सारे क्षेत्र के लोगों ने आज मिलजुल कर सभी के लिए आशीर्वाद दिया कि जिन बेटे बेटियों की शादी हुई है वो खुश रहें, उनका जीवन हरा भरा रहे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम लोगों की चर्चा हुई थी पचमढ़ी चिंतन में, सब ने आग्रह किया था कि इनकी शादी की राशि 55,000 कर दी जाए, तो आज 55,000 की राशि 11,000 रुपये का उनको चेक दिया जा रहा है जो बेटियों के खाते में जाएगा। बाकी पूरा सामान उनको घर को सुंदर बनाने के लिए पलंग से लेके टेलीविजन से लेके सबको सामान दिया जा रहा है। सब खुश हैं, प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे लोगों गरीब बेटे बेटियों की शादी ऐसे ही होती रहे, उनका जीवन हरा भरा रहे। इसके अलावा सरकार लाड़ी लक्ष्मी से लेकर तीर्थयात्रा से लेकर हर काम करा रही है, तो आज सरकार पूरी तरीके से जनता के साथ है और जिन बर्बदियों की आज शादी हुई है वो सब इस बात को एहसास कर रहे हैं कि सरकार ने हमारी चिंता की।